फाइनेंशियली भी साल का दूसरा भाग ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है. ऑल्दो दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन फास्ट मनी स्कीम्स एंड शॉर्ट टर्म स्टॉक्स. 2024 फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिकली 2023 के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है. जो फैमिली इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लाइन में खड़े हैं उनका नंबर आ सकता है इस साल. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लकी रनिंग एज में हो तो ये साल आपके लिए अच्छा और इवेंटफुल हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर कंपैटिबिलिटी विद एज शनि. किसी भी प्रकार के नर्व रिलेटेड इश्यूज से बचना है आपको तो एमरल्ड आपका लकी जेम आपको इस विषय में मदद कर सकता है. As we are juggling between 2023 and 2024, क्या आपको इंतजार है नए साल का? And our special predictions. So do stay put as we dive into your predictions from numbers 1 to 9. ये एक मिथ है कि नंबर 8 शनि और एक शनि यानी सन की जोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि इनका रिश्ता बाप और बेटे के समान है. लेकिन बाप और बेटे का रिश्ता स्पेशल होता है और प्यार भी भरा होता है, फिर भले ही वो नंबर 1 के रणबीर कपूर की तरह एनिमल ही क्यों ना हो. जैसे जनरेशन गैप फ्रिक्शन कॉज करता है, वैसे ही आप नंबर 1 के साल के शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेन महसूस कर सकते हैं. लेकिन ओवरऑल ये एक डिसेंट साल होगा क्योंकि सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के लिए कंपनसेट करेगा. बट सैटर्न चाहते हैं कि आप संघर्ष करें and earn your meal and drink. आपके जूनियर्स आपसे इंस्पिरेशन लेकर आपको एक अच्छी लाइट में देखेंगे, लेकिन उनके जूनियरिटी को नज़रअंदाज करने के लिए उनको कमज़ोर मत समझिए. बी अ गुड एंड अ ट्रू लीडर इफ़ यू विश टू मेंटेन योर अथॉरिटी. उसी समय आपके डोमिनेटिंग थॉट्स और बिहेवियर आपको अपने एल्डर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर सकते हैं. लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंसेस एंड द फैक्ट दैट यू मे एक्चुअली गार्नर knowledge and blessings from them. 2023 का momentum 2024 में ले जाओगे आप. You may expect the unexpected. घबराइए मत for the good. Financially भी साल का दूसरा भाग ज़्यादा promising लग रहा है. Although this is not the time to invest in fast money schemes and short term stocks. अगर property और gold में invest करने के plans हैं तो Nike की तरह just do it. Overthinking से बचना है आपको. And don't let your mind play mind games. Mind it. Number 2 और 2024 यानी कि 8 का बंधन रोमियो और जूलियट की तरह नहीं है. इस कारण आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में इस साल थोड़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस कर सकेंगे. लेकिन शनि करता धरता है और कोई विलन नहीं. और अगर आप 100 मीटर पार करने के लिए तैयार हैं तो 200 मीटर की प्रिपरेशन करनी होगी. फिर एक समय ऐसा भी आएगा इस साल में जब आप 100 मीटर पार करोगे और 200 मीटर देखोगे फिनिश लाइन पर. सेल्फ डाउट के लिए कोई भी जगह मत छोड़ना और 8 नंबर के साल में सैटर्न की क्वालिटीज अपनाना जो है विल पावर, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन. ये 8 नंबर का साल 8 के लिए बेहद अच्छा होगा, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड्स, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक इंडस्ट्रीज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, वास्तु वगैरह. ये साल दिल को सुनने का नहीं बल्कि समझदारी और ध्यान से सिचुएशंस को इवेल्यूएट करने का है. डोंट बी लेट डाउन एंड डिफीटेड इफ थिंग्स डोंट गो योर वे इनिशियली. इंस्टेड अपने आप को सुधारना और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए. दूसरों से सहायता और मोटिवेशन ढूंढने के बजाय अपने आप पर भरोसा कीजिए. इमोशनली एंड रोमांटिकली Try not to make huge decisions this year. At the same time, अगर आप अपने hard work और कर्म पर confident हैं, तो payback time में आप सफलता देखेंगे. जो लोग career या investments में बड़े gambles लेना चाहते हैं, think twice before you leap. Home change और family planning जैसे important decisions June से December के भाग में लीजिएगा
जो आपके लिए एक बेटर समय होगा। ये साल अपने पैशंस को अपनाने के लिए अच्छी शुरुआत है। म्यूजिक, राइटिंग या एक्टिंग जैसे फील्ड्स जो आपको आकर्षित करते हैं, ये आपकी हॉबीज थे, उन्हें बकेट लिस्ट से निकाल सकते हैं आप एंड कैन गो द प्रैक्टिकल वे। हेल्थ के विषय में शनि के साल में जो आपको थोड़े ज़्यादा ओवरथिंक करा सकते हैं, डोंट बी टू ओवर कॉशियस एंड एन ओवरथिंकर और अ डीप थिंकर, टेक थिंग्स लिटिल मोर लाइटली। फाइनेंसिस के मामले में मनी सेव्ड विल बी मनी अर्न फॉर यू। थ्री जुपिटर और 2024 का 8 सैटर्न एक दूसरे के साथ अकोमोडेटिंग माने जाते हैं, जहां गुरु एक टीचर की तरह होते हैं और शनि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। दोनों ट्रायल्स और टेस्ट में बिलीव करते हैं टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो इस साल एग्जाम्स और टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए विथ बेटर रिजल्ट्स ऑल्सो। लॉन्ग टर्म डिसीशंस और इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म गेन और स्पेकुलेशन से ज़्यादा लाभदायक होंगे, खास करके आप शेयर मार्केट के लोगों के लिए। ये साल आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। इससे याद आया, सोना आप नंबर 3 के लोगों के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नींद वाले सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड की। पेशेंस इज द की टू व्हाट मे सीम लाइक अ लॉन्ग येट रिवॉर्डिंग ईयर। अब ये फ्रेंडशिप हो और रिलेशनशिप के टर्म में समझिए, या ऑफिस और कोवर्कर्स के साथ, अपने सप्रेस्ड टेम्पर को अलग तरीकों से छुटकारा दिलाइए, जैसे कि जिमिंग, जॉगिंग या इवन ब्रिस्क वॉकिंग और प्लेइंग अ स्पोर्ट। 2024 फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिकली 2023 के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है, लेकिन इंतज़ार कीजिए 2025 का, जिससे जोड़ आता है नंबर 9 मार्स या मंगल, एक और भी लकी नंबर आपके लिए। सो इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट अ ड्रीम रन ऑफ 2 गुड ईयर्स बैक टू बैक। और अगर आप में से कुछ 3 नंबर के लोग लॉसेस या डेप्स में हैं, तो ये 2 साल हेल्प करेंगे आपको काफ़ी हद तक कंसोलिडेट करने आपके पोजिशन। अगेन सैटर्न और जुपिटर आपको सिखा सकते हैं पेशेंस, विच इज़ अ वेरी वाइटल वर्च्यू। कमर्शियल पार्टनरशिप्स के लिए ये साल सही नहीं है, इंस्टेड ट्राई टू ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशंस एंड गो सोलो। विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप टू, अलर्ट रहिए अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में, ट्राई नॉट टू लूज ओल्ड और न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सपोर्ट एंड सोलेस दे सकते हैं ये लोग। और अपने फैमिली से भी नरमी से पेश आए। हेल्थ वाइज ओवर इंडल्जेंस पर कड़ी नज़र रखें। 8 सैटर्न गैसियस प्लैनेट है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होते जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इसका असर सबसे पहले हम नंबर 3 के लोगों को अक्सर होता है। सो बी वेरी वेरी ऑफ दिस। न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 और 4 एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और ये कनेक्शन कई बार एक्सट्रीम भी बन सकता है। इस कारण ये साल इवेंटफुल हो सकता है ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो सलाह ये है कि छलांग मारने से पहले थोड़े कॉशियस रहें, स्पेशली इन इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लाइक मैरिज, हैवी इन्वेस्टमेंट्स और जॉब और बिजनेस चेंज, एंड डोंट एक्सपेक्ट लॉटरीज आइदर। 1 घंटे के सफर को तय करने के लिए 2 घंटे स्पेयर कीजिए, जस्ट लाइक हम नॉर्मली एयरपोर्ट पे जाने से पहले करते हैं, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मिस द फ्लाइट। आपके फाइनेंसेस आपकी कड़ी नज़र डिमांड कर सकते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को इस साल हर एस्पेक्ट में अवॉइड कीजिए। चांसेस है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, दो आई होप आई एम रॉन्ग। इन्हें कर्ब करने के लिए ट्राई टू फाइन ट्यून योर कन्वर्जेशनल स्किल्स एंड रिस्पेक्ट द लिसनर्स इंटेंशंस। योर टेम्पर एंड टेम्परामेंट विल होल्ड द की। बस हार्डवर्क पर वर्क हार्ड कीजिए, विच शुड नॉट बी टू हार्ड फॉर यू। मुझे सैलेड के स्वाद से ज़्यादा हमेशा उसकी प्रेजेंटेशन से अट्रैक्शन होती है। सिमिलरली जैसे सैलेड प्रॉपर ड्रेसिंग या सॉस के बिना इनकम्प्लीट होता है, वॉच आउट ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी अपनी मेहनत को सही से डिस्प्ले और मार्केट करें। नॉट टू साउंड टू अलार्मिंग, बट माई जॉब इज ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट, जहाँ रेड लाइन नज़र आती है वहाँ मारनी है। तो इस साल अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना, स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द यूरिनरी ट्रैक। हो भी सकता है कि आपका ये साल बहुत अच्छा हो इफ़ यू आर अमंगस्ट योर इम्पॉर्टेंट ईयर्स, यानी कि आपकी रनिंग एज 1, 2, 4 या 7 नंबर देती है, यानी कि इफ़ यू आर इन योर 10th ईयर, 19th ईयर, 20th ईयर, 25th ईयर, 1, 2, 4 या 7 का जोड़ आता है आपके
रनिंग एज से, देन दिस ईयर कैन इंडीड बी वेरी स्पेशल फॉर यू। अगर हो सके तो सैटरडे को जाएं हनुमान जी के टेम्पल में, प्रे टूवर्ड्स हनुमान जी एंड लॉर्ड शनि। क्या आप जानते हैं नंबर 4 के बराक ओबामा अपने घर से हनुमान जी के आइडल के बगैर नहीं निकलते हैं? सो इफ यू आर अ नंबर 4, हनुमान जी का एक छोटा सा लॉकेट या पेंडेंट भी पहन सकते हैं इफ योर फेथ परमिट्स। आपके थॉट्स और इमोशंस आपके बिहेवियर के साथ एक कांस्टेंट रेस में होते हैं, समटाइम्स मूविंग लाइक अ पेंडुलम इधर वे। नंबर 8 सैटर्न जो आता है 2024 से, और 5 मर्क्यूरी आपका नंबर एक अच्छा बंधन निभाते हैं, इस वजह से ये साल आपके लिए 2023 से बेहतर हो सकता है। वर्क और लीजर रिलेटेड ट्रैवल दोनों इंडिकेटेड है इस साल। कुछ सपने पूरे होने के चांसेस हैं और कुछ नए सपने देखने के भी, लेकिन ध्यान रहे और कोशिश कीजिए अपने इनडिसाइसिवनेस को कंट्रोल में रखने की। इवैल्यूएट, एनालाइज, डिसाइड एंड फाइनलाइज। दूसरों के ओपिनियंस सुनना ठीक है, लेकिन ट्राई टू ऑल्सो डू वॉट इज मोर वायबल इन द लॉन्ग रन। दे कैन गो रॉन्ग टू। इवन इफ यू डोंट लाइक मैराथन रेसेस, समटाइम्स इट इज बेटर टू जॉग इट आउट एंड सेव योर एनर्जी फॉर द फाइनल फॉर लॉन्ग। स्ट्रेस देने वालों से बचिए और अपने लाइट हार्टेड एटीट्यूड का इस साल फायदा उठाइए। डोंट लेट योर माइंड स्ट्रे और वॉन्डर। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपके स्टमक में प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, जो आपको इरिटेबल और शॉर्ट टेम्पर्ड बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के नर्व रिलेटेड इश्यूज से बचना है आपको, तो एमरल्ड आपका लकी जेम आपको इस विषय में मदद कर सकता है, बट डू नॉट वेयर द पन्ना विथ एनी रेड कलर जेम। रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे आप, लेकिन अपनी लॉयल्टीज को चेंज मत करिए। बी ट्रू टू योर पार्टनर एंड योरसेल्फ टू। आपकी कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म आपके कलीग्स और फैमिली मेंबर्स को टफ सिचुएशन में मोटिवेट करेगी। सो बी द चेरी एंड फन लविंग पर्सन यू आर। वेल्थ एक्विजिशन के लिए ये अच्छा साल है, बट नॉट फॉर गेट रिच क्विक स्कीम्स, क्योंकि 2024 से 8 सैटर्न आते हैं, विच इज अबाउट पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप में से जो शादी, नए घर या संतान के फिराक में हैं, उन्हें इस साल जम की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6 शुक्र और 8 शनि न्यूमरोलॉजी में अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इस कारण 6 नंबर गवर्न लोगों के लिए ये साल कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। एटलीस्ट आपका फोकस आपके हार्डवर्क और उसके फल पर होगा। इफ यू हैव सोड द सीड्स फॉर रिवॉर्ड्स इन 2023, यू शुड एंजॉय द बेनिफिट्स दिस ईयर एज सैटर्न इज कार्मिक। रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़े बहुत टेंशन महसूस होंगे आपको, लेकिन देर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी आयर्न आउट, एंड यू शुड नॉट वरी टू मच इफ योर इंटेंशंस आर गुड। डू नॉट लिसन टू योर हार्ट अलोन, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग की दिशा में ले जाएंगे। चांसेस है कि आप चीटेड फील करेंगे इमोशनली और फाइनेंशियली भी, इवन दो दैट मे नॉट एक्चुअली बी द केस। सो ट्राई टू बी मोर हेडस्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ सफिशिएंट। उसी समय उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी सेवा और मदद करते हैं, योर वेल विशर्स, या जिन पर आप किसी भी तरह से निर्भर या डिपेंडेंट हैं। प्रॉपर्टी, व्हीकल या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये सही समय होगा इफ योर फाइनेंसेस आर आयर्न्ड आउट एंड आर सपोर्टिव। भारी लोन्स लेना अवॉइड कीजिए अनलेस दे आर फेयरली कैलकुलेटेड। ये फाइनेंशियल लोन्स हो सकते हैं या फ्रेंडली फेवर्स भी। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अपने क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा नजर आ रहा है। वाइल दोज लुकिंग फॉर मैरिज शुड ट्राई टू वेट फॉर 2025 दैट एड्स अप टू 9, जो आपके डायरेक्ट फैमिली ऑफ नंबर्स में से हैं। हेल्थ में माइंड, डाइट और लाइफस्टाइल रहेंगे आपके इम्पोर्टेंट एवेन्यूज जिसपे आपको मेहनत करना होगा। इट सैटर्न कैन हेल्प डिसिप्लिन यू फॉर नॉट ओनली दिस ईयर, बट यू शुड कंटिन्यू द मोमेंटम ईयर आफ्टर ईयर। बेरुपयोग से सावधान रहे, रिमेंबर दैट लव कैनॉट बी बॉट। 2024 या 8 शनि आपको प्रोटेक्ट करेंगे शत्रुओं से, अगर आपने शनि को प्रसन्न किया होगा अपने मेहनत और कर्म से। द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर 7 एंड 2024 का नंबर 8 इज लाइक सो क्लोज येट सो फार। पर कॉमन चीज है, दोनों नेपच्यून और सैटर्न स्पिरिचुअल प्लेन के नंबर्स है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेडिटेशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं अगर आप, तो इस साल आपका ध्यान और बढ़ सकता है। लेकिन कंटिन्यूटी पर भी फोकस कीजिए, जो एफर्ट्स
अपने 2023 सात नंबर वाले साल में दिए थे, वो इस नए साल में आपको टाइम खरीदने में हेल्प करेंगे। समय समय पर आप पास्ट के रिवॉर्ड्स पर भी थ्राइव कर पाएंगे एंड यू विल बास्क इन द ग्लोरी फॉर लास्ट ईयर्स एफर्ट, क्योंकि सैटर्न करता धरता है। अगर कोई चीज़ हासिल करने के जल्दी में हो तो निराश हो सकते हो, क्योंकि शनि इज अबाउट देर पर दुरुस्त। बेचैनी या अशांति आपके दुश्मन बन सकते हैं, जिस वजह से ट्रस्ट इश्यूज और बढ़ सकते हैं इस साल, मे बी मोर देन द पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन स्लोली बट श्योरली पिछले साल के इन्वेस्टमेंट्स या एफर्ट्स इस साल रंग लाते हुए दिखेंगे। 8 सैटर्न आपको विल पावर बिल्ड करने में मदद करते हैं, सो अवॉइड शॉर्टकट्स बिकॉज दिस ईयर इज ऑल अबाउट गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। दिस कैन बी विथ रिगार्ड्स टू योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। नंबर 7 के लोग स्पिरिचुअलिटी से आकर्षित होते हैं, तो कोशिश कीजिए मेडिटेशन और मैनिफेस्टिंग करने। इफ़ यू हैव अ लाइम मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट, बिकॉज नथिंग इज एवर वेस्टेड इन द यूनिवर्स। आखिरकार कुछ चीज़ें अगर मटेरियलिस्टिक प्लेन पर नहीं मिलती हैं तो शनि आपको फ्यूचर के लिए सबक ज़रूर सिखाते हैं। फाइनेंशियली आपके इनसिक्योरिटीज आपको ऐसा फील करा सकते हैं जैसे आप डीप ट्रबल में हैं, बट मे बी यू आर ओवर थिंकिंग। ट्राई टू बी मोर असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीशंस इंस्टेड ऑफ फियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल इज नॉट सो बैड आफ्टर ऑल, जैसा आपको शायद लगता है। दोस्ती यारी और रिश्तों में बहुत ही सेलेक्टिव और कम लोगों पर डिपेंड कीजिएगा। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जो फैमिली इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लाइन में खड़े हैं, उनका नंबर आ सकता है इस साल, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न इस क्षेत्र में हेल्प जरूर करते हैं। 2024 के जोड़ से आता है आपका नंबर 8 सैटर्न और शनि, जो इंश्योर करेगा कि ये साल आपके लिए इवेंटफुल हो। शनि द लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स क्लिनिकल है, एज यू सो सोशल यू रीप में आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो असल में इवेंटफुल आपके एक्शंस और आपके हार्डवर्क पर ही पूरा डिपेंड करता है। किसी डिले की फीलिंग आपके इमोशंस को ओवरराइड कर सकती है साल के पहले हाफ में। ये फाइनेंशियल, मेंटल या फिजिकल डिले भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न सबसे स्लोएस्ट है, लेकिन एक बोनस या एस्केलेशन के साथ आना चाहिए ये डिले, मेकिंग इट वेल जस्टिफाइबल। एज ऑलवेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए इस साल, स्पेशली लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, एज वेल एज इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट फार्मिंग। जो लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं, दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये साल आपको अपने बुजुर्ग द्वारा वाइज बनाएगा, लीडिंग यू टू अटेन लॉन्ग टर्म अवेटेड रिवॉर्ड्स। शादी या फैमिली प्लानिंग भी दूरबीन में है इस साल, बट ट्राई नॉट टू लेट योर पुअर सोशल बैटरी डिसरप्ट यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू नीड। थोड़े और आउटगोइंग बनने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। पार्टनरशिप्स को स्ट्रांगली अवॉइड कीजिए हाउएवर इन बिजनेस, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। ट्रस्ट और डिपेंडेंसी के बीच एक फाइन लाइन होता है, उसे क्रॉस करने से आप ही को नुकसान हो सकता है। इस साल स्पेशली और हर साल का मंत्र है द 3 P's, प्रैक्टिकलिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। अनदर टिप फॉर द ईयर वुड बी टू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी वेरी एक्सट्रीम, यानी कि कोई बड़ा गैम्बल ना लें, अब ये इमोशनली हो या फिजिकल। आपकी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिए, ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट अ बेटर एंड मोर एक्टिव लाइफस्टाइल। सैटर्न से इस साल और हर साल डिसिप्लिन सीखिए, एंड इफ योर फेथ अलाउज यू तो सैटरडेज को जरूर हनुमान जी के टेम्पल में विजिट कीजिए, प्रेइंग टूवर्ड्स लॉर्ड हनुमान एज वेल एज लॉर्ड शनि। इनफैक्ट आप एक हनुमान जी का लॉकेट भी पहन सकते हैं। और अगर आपका फेथ भी ना अलाउ करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स US प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी अपने साथ हनुमान जी का आइडल रखते हैं। जोशीले और फायरी मार्स आपको एनर्जेटिक और इम्पल्सिव बनाते हैं, ऑफन कॉजिंग यू टू बी पेसी एंड रेसी। लेकिन ये साल 2024 8 सैटर्न से रूल्ड है, जो सबसे धीमी गति का प्लैनेट है, तो अगर फिफ्थ गियर से फर्स्ट गियर पे भी आना पड़े तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लाइफ की गाड़ी को फास्ट और राइट ट्रैक में चलाने की आदत में सुधार लाइए, और कभी कभी लेफ्ट ट्रैक में चलाना भी सीखिए। ये साल आपको पेशेंट और काम बनाना सिखाएगा। जल्दबाजी में आके कोई बिजनेस पार्टनरशिप या पर्सनल कमिटमेंट करने के काफ़ी चांसेस हैं,
सो बी केयरफुल एंड टेक योर टाइम इन मेकिंग सच इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। हेल्थ के विषय में स्पाइसी फूड से बचकर रहिए और छोटे मोटे एक्सीडेंट से भी। रेड कोरल हेल्प कर सकता है आपको टू एवर्ट एक्सीडेंट, मगर इसे एमरल्ड या एमेथिस्ट के साथ कंबाइन मत करना। एक्सरसाइज करने के नए तरीके सीखिए और कोशिश कीजिए कि आपके हेल्थ के पैरामीटर्स एकदम एक्टिव हो, क्योंकि कंटिन्यूटी यूजुअली बोर्स यू। अलग स्पोर्ट्स या अलग ट्रेनिंग मेथड जैसे क्रॉसफिट, मार्शल आर्ट्स या किक बॉक्सिंग आपकी ऊर्जा को सही दिशा में यूज कराएगा। ईगो और गुस्सा या टेम्पर पर इस साल ने हर साल आपको ध्यान देना है, स्पेशली इन द ईयर ऑफ सैटर्न विच कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप अगर आपके इम्पॉर्टेंट ईयर में हो, यानी आपकी रनिंग एज 3, 6 या 9 पे जुड़ के आती है, तो ये साल आपके लिए एक्सेप्शनल और असली में सही हो सकता है। लास्टली वेट कीजिए 2025 का, जिसके जोड़ से आता है आप ही का नंबर 9। इफ़ यू नीड टू पिक अप एन अवार्ड और टू इन 2025, यू विल हैव टू स्टार्ट शूटिंग इन 2024 इटसेल्फ, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2025 में बिगड़े रिलेशनशिप और लॉस सेविंग में आप इम्प्रूवमेंट फिर देख पाओगे। हेलो एंड नमस्ते, आई एम वैष्णवी, डॉटर ऑफ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बी जुमानी, सिस्टर ऑफ अनीश, नीस ऑफ श्वेता जुमानी एंड प्राउड ग्रैंड डॉटर ऑफ लेट श्री बंसीलाल एम जुमानी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यूमरोलॉजी टू इंडिया आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड आई एम बियॉन्ड हैप्पी टू हैव अ डीप इंटरेस्ट इन न्यूमरोलॉजी, हिज बेबी। मैंने रिसेंटली साइकोलॉजी में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी में अपने डैड और ब्रदर को सपोर्ट कर रही हूँ इस लेगेसी को आगे बढ़ाने। आज जुमानी की जुबानी पर मैं कुछ नोटवर्दी पॉइंट शेयर करने आई हूँ। व्हाइल माय फादर विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द ईयर विल बी फॉर नंबर्स 1 to 9, देयर कैन बी सम रिलीफ फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन योर लकी इयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लकी रनिंग एज में हो, तो ये साल आपके लिए अच्छा और इवेंटफुल हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर कंपैटिबिलिटी विद 8 शनि। अगर आप 1, 2, 4 या 7 नंबर से रूल्ड हो और अगर आपकी रनिंग एज का टोटल भी इनमें से किसी नंबर पर आता है, तो ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉर्न ऑन द 13th ऑफ एनी मंथ एंड यू हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स, देन योर रनिंग एज इज 25, एंड बिकॉज 1, 2, 4 and 7 आर अ फैमिली ऑफ नंबर्स, दिस ईयर मे बी गुड फॉर यू। सिमिलरली, अगर आप 3, 6 या 9 से रूल्ड है और आपकी रनिंग एज के जोर से भी 3, 6 या 9 आता है, देन यू आर बिलीव टू हैव अ गुड ईयर। एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉर्न ऑन द 27th ऑफ एनी मंथ एंड योर रनिंग एज इज 42nd, देन दिस ईयर मस्ट बी गुड फॉर यू एज वेल। लास्टली, दोज रूल्ड बाय 5 and 8 शुड हैव अ बेनिफिशियल ईयर इफ दे आर रनिंग एज टोटल्स टू 1, 3, 5 or 6। एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉर्न ऑन द 26th ऑफ एनी मंथ एंड योर रनिंग एज इज योर 55th। मेरी तरफ से बस इतना ही, ओवर टू यू पापा। नंबर्स के हिसाब से दिस ईयर कैन बी क्वाइट स्पेशल फॉर दोज बॉर्न ऑन अ 1, 3, 5 or 6 और दोज हैविंग देयर फर्स्ट 2 digits एडिंग टू 1 sun, 3 jupiter, 5 mercury or 6 venus। और जोडियक साइंस की बात करें तो पाइसिस यानी के मीन राशि के लोग, टॉरस यानी के ऋषभ राशि के लोग, जेमिनी यानी के मिथुन राशि के लोग, लियो यानी के सिंह राशि के लोग, वर्गो यानी कन्या राशि और लिब्रेंस यानी के तुला राशि के लोग, एज वेल एज सैजिटेरियस यानी के धनु राशि के लोग, ऐसे लोग भी शाइन कर सकते हैं इस साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग जुमानी की जुबानी सो पेशेंटली। मिलते हैं अगले साल सेम टाइम अनदर प्लेस। पप्पीज एंड झप्पीज टू यू ऑल। अपने करीबी लोगों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। तब तक के लिए चक दे कभी अलविदा ना कहना एंड हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल।